हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हेयर केयर टिप्स। मैं इस वीडियो में डूस एंड डोंट्स के बारे में बताऊंगी हेयर केयर के लिए। यह जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि आपके हेयर को आप अच्छे से केयर करेंगे और ब्यूटीफुल बनाने में मदद करता है। तो विदाउट स्किप आप इसको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर वॉच कीजिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला टिप है, आप अपने हेयर के लिए प्रोटीन ज़रूर इंक्लूड करेंगे अपने डाइट में, जिसमें के सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स सब सारे कुछ होना चाहिए, जिससे आपके बॉडी को प्रोटीन की मात्रा जो है वो ज़रूर मिलेगी और इससे आपका हेयर अच्छे से सिल्की एंड शाइन बनेगा। और नेक्स्ट टिप है, आपको हर्बल शैम्पू आपको यूज़ करना है कोई भी। अगर आपका हेयर टाइप जो है वो ऑयली है तो आप लेमन बेस्ड शैम्पू से यहाँ पर यूज़ करेंगे, और ड्राई है तो मिल्क बेस्ड शैम्पू आप यूज़ यहाँ पर करेंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पर टिप है, आपके हेयर को आप कॉम करने के लिए आप नायलॉन के कॉम्ब्स आते हैं वो यूज़ करेंगे, या फिर वाइट जो टूथ होता है कॉम्ब्स वो आप यूज़ करेंगे, जिससे आपके बाल झड़ने की प्रॉब्लम ये बंद हो सकती है। और थर्ड टिप है, हेयर बैंड्स, आप इलास्टिक हेयर बैंड्स को बिल्कुल भी अवॉइड कीजिए। इससे आपके हेयर का लॉस जो है वो ज़्यादा हो जाता है। इसे इसके बदल आप यूज़ कर सकते हैं ये लूज वाले सॉफ्ट हेयर बैंड्स। और नेक्स्ट टिप है, आप वेट हेयर में कॉम्ब करना बिल्कुल भी ना करिए, इससे आपके हेयर जो है वो टूट सकते हैं, और वाइट टूथ वाले कॉम्ब ही यूज़ करेंगे। और नेक्स्ट टिप यहाँ पर है, हेयर ऑयलिंग आप वीक में वंस यूज़ करेंगे, यानी मसाज अच्छे से देकर आपको रूट से लेकर एंड तक इसको ज़रूर मसाज कीजिएगा वंस इन ए वीक। अगर ऑयली हेयर का टाइप है तो आप 15 डेज में एक बार आप इसको ऑयलिंग दे सकते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर टिप है, कंडीशनिंग आपके हेयर को देने चाहिए। शैम्पू के बाद आप कंडीशनर कोई भी आप यूज़ करेंगे, और हिना से भी आपके बाल जो है वो अच्छे से कंडीशन में आते हैं। तो हिना भी का भी मैं नेक्स्ट वीडियो यहाँ पर लाने वाली हूँ, तो ज़रूर देखिएगा। और नेक्स्ट यहाँ पर टिप ये है कि आपके बालों को बार बार वॉश करना ना करें, वीकली ट्वाइस और थ्राइस ही आप यूज़ करेंगे। तो ये थे मेरा वीडियो आज के 10 टिप्स, जो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। पसंद आ गया है वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।